फतेहपुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने जिला अस्पताल में सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत मरीजों को फल वितरित कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही उन्होंने मरीजों को आयुष्मान योजना और उससे जुड़े लाभ के बारे में जानकारी दी। लाभार्थी तक योजना का लाभ पहुंचे, 2014 के बाद से जब से सरकार बनी वर्षक प्रयास किया जा रहा है कि जो इसका पात्र है उसको लाभ पहुंचे, चाहे वो शौचालय के रूप में, आवास के रूप में हो या अन्य योजनाओं के रूप में हो, आयुष्मान कार्ड के, गैस सिलेंडर के, बहुत सारी योजनाएं हैं। ये जो कोविड आया उसके तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, अन्य योजना लागू करके ये गरीबों के लिए मुफ्त में राशन देने का काम किया। उसी के तहत आज आजादी का अमृत महोत्सव जो 75वां मनाया जा रहा है उसके तहत रावतपुर में आज 200 के लगभग लोगों को अन्न वितरण और प्रधानमंत्री आवास जिनको मिले उनको बल्ब, निःशुल्क बल्ब वितरण हुआ है। अमृत महोत्सव के जो 75 साल पूरे हो गए हैं इसके लिए एक कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसके अंतर्गत प्रति परिवार के प्रति सदस्यों के बीच में 5 किलो अनाज, वह 5 किलो अनाज वर्तमान में 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल है, इसका वितरण लोगों के पास हो रहा है। भारतीय खाद्य निगम जो इस खाद्यान्न का आमंत्रण देश के जहां पर सरप्लस फूड ग्रेन है वहां से डेफिसिट एरिया पर लेके आ रही है और उसको ना राज्य सरकार को दे रही है।